हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोष जैन के चैनल पर। आज मैं आपको वाल फल्ली की सब्ज़ी की रेसिपी दूंगी। जी हाँ, इसे कोई चिपुड़काया भी बोलते हैं। चिपुड़काया की सब्ज़ी ये आंध्रा में बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, जैन रेसिपी से ऐसी सब्ज़ी बना रहे हो जो मिनटों में बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब होती है। तो शुरू करते हैं चिपुड़काया की सब्ज़ी की रेसिपी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम वाल फली की सब्ज़ी बनाएंगे। इसे चिपुड़काया भी बोली जाता है। इस तरह से ये फली होती है, इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और आज हम इसकी जैन रेसिपी से सब्ज़ी बनाएंगे जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी होती है। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में मैंने 2 टेबल स्पून फुल ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम फली को वॉश कर लेते हैं। अच्छे से वॉश करना है। कोई भी सब्जी हमें बिना वॉश किए यूज नहीं करना है। यहाँ मैंने 250 ग्राम फली ली है। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून राई डाल देंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून जीरा भी डाल देंगे। ये हमने फली को भी अच्छे से वॉश करके रख लिया है। राई जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब हम ये फली को डालेंगे। फली को हम पानी से निकाल के डालेंगे। फली को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब गैस की फ्लेम को स्लो करके हम इस पर ढककर रख देंगे। लगभग 1 मिनट तक हम इसमें एक स्टीम ले लेंगे। ऐसा करने से फली का कलर बरकरार रहता है। लगभग 1 मिनट हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर है। आप देख सकते हो हमारे फली का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसे कोई वाल फली कहते हैं, कोई चिपुड़काया बोलते हैं, तो कोई फोतराचे वाल भी बोलते हैं मराठी में। अब हम इसमें ड्राई मसाले मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून सिंगदाने का पाउडर लिया है। सिंगदाने को भूनकर उसका पाउडर करके रखा है मैंने यहाँ। ये भी हम इसमें डाल लेंगे। आज हम जैन रेसिपी से बना रहे हैं इसलिए हम इसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहो तो डाल सकते हो। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में, टेस्ट भी अच्छी आती है। अब लास्ट में 1 टीस्पून फुल मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हो तो और भी डाल सकते हो, और कम स्पाइसी चाहिए तो कम डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप टोमेटो फ्लेवर वाली बनाना चाहते हो तो इसमें टोमेटो कट करके डाल सकते हो, लेकिन आज मैं बिना टमाटर वाली बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही। और अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप पानी, जिससे कि यह सब्ज़ी आसानी से इसमें के जो दाने हैं वो सॉफ्ट हो जाए और ये सब्ज़ी थोड़ी सी लचपची रसीली हो तो ही अच्छी लगती है। आप चाहो तो ड्राई वाली भी बना सकते हो। देखिए कितना बढ़िया ऐसे कलर आया। अब हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रेड कर लेते हैं और इसकी 1 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे ताकि इसमें जो दाने हैं वो अच्छे से आसानी से सॉफ्ट हो जाए। एक सीटी ले लेना है हम इसके। हाँ तो फ्रेंड्स, 1 सीटी लेने के बाद हमारी सब्ज़ी इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी स्पाइसी लाजवाब बनी है। आप इसे चपाती के साथ में खा सकते हो, राइस से भी खा सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।